ऐसा लगता है जैसे सारा त्याग और बलिदान करने का ठेका सिर्फ जनता ने ले रखा है। मंत्री के वेतन भत्ते, आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, सारी सुविधाओं के बाद भी पेंशन के हकदार हैं। पीएम मोदी जनता से सब्सिडी छोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री साहब पेंशन की कतार में लगे हैं। आपातकाल में माननीय ने लोकतंत्र जो बचाया था, पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। जनता छोड़े सब्सिडी, मंत्री मांगे पेंशन, पेंशन की कतार में केंद्रीय मंत्री, जेल में रहने की कीमत वसूलेंगे संतोष गंगवार। इमरजेंसी के दौरान एक साल जेल में रहे थे, मंत्री ने मांगी लोकतंत्र रक्षक सेनानी की पेंशन। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं, जनता पर असर भी हुआ और गरीब लोगों ने भी सब्सिडी छोड़ी, तो दूसरी तरफ केंद्र में उन्हीं के साथ ही मंत्री पेंशन मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली लोकसभा सांसद संतोष गंगवार का आवेदन लगभग मंजूर माना जा रहा है। शीघ्र ही डीडीपुरम स्थित उन्हीं के बैंक की शाखा के खाते में पेंशन पहुंचने लगेगी। दो लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की जन्म आपके संतुति अति आवश्यक होती, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने आग्रह किया था संतोष गंगवार जी को और उनके परिवार के लोगों को, तो ये हुआ कि जमने आपके सारे फॉर्म हमने उनके डिपॉजिट किए, मैं और वीरेन्द्र अटल जी ने जमने अपने उसके संतुति की। संतोष गंगवार इमरजेंसी में लगभग एक साल जेल में रहे थे, इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र रक्षक सेनानी पेंशन की मांग की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से जारी लोकतंत्र रक्षक सेनानी पेंशन का फायदा संतोष गंगवार भी उठाना चाहते हैं। आवेदन में केंद्रीय मंत्री ने स्थायी पते में 55 चौधरी मोहल्ला और अस्थायी पते में भारत सेवा ट्रस्ट भवन कोहड़ा पीर लिखा है। इसमें जुलाई 1975 में जिला और केंद्रीय कारागार में बंद होने का जिक्र है। ये पेंशन डीडीपुरम की बैंक शाखा में पहुंचेगी। उनके आवेदन को लोकतंत्र रक्षक सेनानी वीरेंद्र कुमार और राजेंद्र बहादुर चौधरी ने प्रमाणित किया है। जिले में इस योजना के तहत लगभग 26 लोगों को पेंशन मिल रही है। पेंशन के तौर पर प्रत्येक को 15,000 रूपए महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा का लाभ भी मिलता है। 3,000 रूपए जमने पर मंथ किया, फिर उन्होंने उसको जमने आपके 6,000 रूपए किया, फिर 10,000 रूपए किया और फिर 15,000 रूपए इस अप्रैल से मिलना शुरू हो गए। इसमें और सुविधाएं ये हैं कि बस में यात्रा फ्री है और आपके सबसे विशेष बात यह कि माननीय अखिलेश यादव ने जो किया है इसको विधानसभा और विधान परिषद में जो है हमने नोटिफिकेशन करके आपके एक्ट बना दिया। सवाल पेंशन लेने पर नहीं, सवाल मंत्री की सोच पर है। आखिर उन्हें पेंशन लेने की क्या जरूरत पड़ी? और जब आप जनता से सब्सिडी छोड़ने की उम्मीद करते हैं लेकिन खुद मंत्री होते हुए भी पेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की अपील, कायदे कानून और उम्मीद सिर्फ आम जनता से है, अपने मंत्रियों से नहीं? बरेली से समाचार प्लस के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।